नमस्कार दोस्तों, दिस इज मोनू सागर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हिमालयन हिमालयन की सर्विस के ऊपर ये वीडियो है। और इसमें आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पिछले ये पैड हैं, पैड ख़राब हो जाते हैं तो ये कैसे पहचाने जाए और कैसे ठीक करे जाते हैं। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट ये रहेगा। दूसरा पॉइंट आपको दिखा देते हैं। दूसरे पॉइंट पर अगर हमारी गाड़ी के गेयर, हिमालयन गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, हिमालयन गाड़ी के गेयर अगर काफ़ी टाइट पड़ते हैं तो इसको कैसे स्मूथ किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, चैन कैसे टाइट करी जाती है या ढीली करी जाती है। चैन अगर टाइट, मतलब हिमालयन के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, गाड़ी चलते चलते ऑटोमेटिक टाइट हो जाती है। नॉर्मल बाइक में प्रॉब्लम यह आती है कि वो ढीली हो जाती है, पर इसकी चैन टाइट हो गई है। गाड़ी सर्विस के लिए आई है तो फिलहाल ऑयल निकाल लेते हैं, बाकी चीज़ें कंटिन्यू काम के साथ बताते रहेंगे आपको। नॉर्मली सबको पता है ऑयल निकालने के लिए, हमारा इंजन ऑयल निकालने के लिए ये बोल्ट रहता है, पर मैं भी पूरी प्लेट खोलूँगा क्योंकि इसके अंदर एक जाली रहती है, उस जाली को भी खोल के सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तरीका है प्लेट खोलने का पूरा। दो 8 नंबर के बोल्ट रहते हैं और जिस जाली की बात कर रहा था वो ये रही। अभी आपको उसको भी निकाल के दिखा देते हैं। यह है वो जाली। फिलहाल ऑयल ठीक था तो जाली में कोई कचरा नहीं है। अब हमें इसका ऑयल फिल्टर बाहर निकालना है। ऑयल फिल्टर बाहर निकालने लें 3 8 नंबर के बोल्ट यहाँ पर दे रखे हैं और ये तीनों बोल्टों को आराम से खोल दे। और इस गाड़ी के अंदर जो है एक एवरेज बहुत ज़्यादा डाउन है, तो हम आज आपको इस वीडियो में ये भी दिखाने वाले हैं कि गाड़ी का एवरेज ट्यूनअप कैसे किया जाता है, मतलब ट्यून कैसे किया जाता है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा एवरेज ले सकते हैं बिना इंजन को किसी नुकसान पहुँचाए, तो ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल ऑयल फिल्टर निकाल लेते हैं। ये निकाल दें तो ये है इसका ऑयल फिल्टर। ठीक है, तेल मतलब बाहर से आता है, अंदर फिल्टर होके ऊपर को जाएगा। यहाँ पर होता है हमारा एयर फिल्टर इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, और इसको खोलने के लिए 3 पेच होते हैं और ये सामने की साइड में यहाँ पर हमारा एयर फिल्टर लगता है, उसको खोलने के लिए 3 पेच खोलने हैं। 1 2 3 जल्दी से खोलते हैं फिर आगे दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह के 3 पेच रहते हैं यहाँ पर। इसके बाद इसको बाहर को खींच लेना है और बाहर को खींच के आपका एयर फिल्टर ये निकल जाएगा, उसके अंदर हवा मार के साफ हो जाता है या आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं आपको इसमें हवा मार के सफाई करके दिखाऊंगा। अब हमें इसके अंदर से डस्ट निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे? अब सर्विस के टाइम पे हमारे अगले इस पॉकेट की और चैन की धुलाई होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कवर खोलना पड़ता है। हिमालयन में कवर खोलना पड़ता है और क्लासिक में आरएच कवर खोलना पड़ता है, दोनों में अलग अलग टाइप से हैं। और ये हमारा कवर खुलेगा तो देखिए कितनी गंदगी है। एक बार मैं ये देखिए गंदगी, और यहाँ ये पूरे इस पॉकेट पर यहाँ पर चिपक जाती है। चैन हमारी जल्दी ख़राब इसी कारण होती है कि ये पूरा जो देखिए गंदगी दिख रही है ना, सब यहाँ रुकते हैं, धीरे धीरे चैन पे आती है। तो ये सर्विस के दौरान पे इसकी धुलाई होना बहुत ज़रूरी है। देखो कितना तमाम गंदगी घुसी पड़ी है। अब यही है ना, अगर आप लोग ध्यान नहीं देते तो मैकेनिक कहाँ से ध्यान देगा, और कितनी गंदगी घुसी पड़ी देखो, दिख रही है ना। ये आपका काम है कि मैकेनिक से कहना है कि इसको कम से कम खोल के अच्छे से सफाई कर दे। अब कैसे चैन टाइट तो होनी है जो गंदगी घुसेगी, चैन राउंड हो जाती है, तो ये आपका काम बनता है कि सफाई करवाना। स्पार्क प्लग खोल के देखते हैं, स्पार्क प्लग खोल के ये चेक करते हैं कि गाड़ी का एवरेज कितना है, क्योंकि जो कस्टमर था उसके कंप्लेंट ये थी कि मेरी गाड़ी एवरेज कम दे रही है, एवरेज हाइट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्पार्क प्लग खोल के चेक करते हैं कि स्पार्क प्लग की कंडीशन क्या है।
तो ये हमारा स्पार्क प्लग, एक बार इसको जूम करते हैं। तो स्पार्क प्लग देखिए, स्पार्क प्लग ये दिखा रहा है कि एवरेज काफ़ी अच्छा आ रहा है। ठीक है, फिलहाल गाड़ी की सर्विस कर लेते हैं। नॉर्मल काम रहता है सर्विस के दौरान पे, वो चीज़ में पहले फिनिश कर देता हूँ, उसके बाद जो मेन मेन पार्ट रहते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में कवर कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल तो अब जो है काम कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने क्या क्या करा। इसका इंजन ऑयल चेंज करा, एयर फिल्टर की सफाई करी और ऑयल फिल्टर डाला। ठीक है, और ये आपको सामान अगर ऑनलाइन बाय करना है इसका इंजन ऑयल, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। इसका क्लच काफ़ी हार्ड हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसका क्लच काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए सिंपल है, पहले आप इसके अंदर ऑयलिंग करें, थोड़ा ब्रेक ऑयल डालें, ब्रेक ऑयल डालकर इंजन ऑयल डालें, वो भी साफ बिल्कुल ब्रांड न्यू। ठीक है, जिससे हमारा क्लच बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया था पहले से क्या करना है, पहले ग्रीसिंग करनी है इसके अंदर, फिर हल्का सा ऑयलिंग कर देना है। चैन के अंदर चैन स्प्रे यूज़ करना है, जो हमारी चैन है चैन के अंदर सिर्फ चैन स्प्रे ही यूज़ करना है, तभी ये गाड़ी ज़्यादा बढ़िया चलती है। डिस्क पैड्स नए डाल दिए हैं, सिंपल है। देखिए आपको इसमें लाइनिंग दिखेंगे, ये लाइनिंग इसलिए पड़ेगी, इसके जो पैड थे पैड बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, और हिमालयन के स्पोक भी ढीले हो जाते हैं, तो आपके पास हिमालयन है तो एक बार आपको मतलब चेकिंग कराना बहुत ज़रूरी है। और जो मिसिंग का प्रॉब्लम रहता है हिमालयन के अंदर, स्पार्क प्लग का गैप अगर कम रहेगा, जो यहाँ पे लगता है, अगर स्पार्क प्लग का गैप कम हो जाता है तो आपकी गाड़ी मिसिंग करेगी बहुत ज़्यादा। और हमारा कार्बोरेटर का जो ट्यूनअप होता है, इसको मैं तो यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप ना छेड़ें। गाड़ी काफ़ी अच्छा एवरेज दे रही थी, मैंने चेक किया तो मेरे को लगा कि इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहिए, और फिर भी आपको चाहिए कि हाँ भैया इसका वीडियो चाहिए चाहिए हमें, तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में करिए। एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कैसे गाड़ी का एवरेज ट्यूनअप किया जाता है हिमालयन का, और क्या प्रॉब्लम है आपके पास अगर हिमालयन है, क्या उसकी प्रॉब्लम है बताइए। डेफिनेटली एक मतलब नेक्स्ट टाइम पर वीडियो बनाएंगे और आपका सोल्यूशन देंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।